सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एनिमल वर्सेस एनिमल कंपैरिजन। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं फ्लोरिडा पैंथर वर्सेस कनाडियन कूगर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरिडा पैंथर की। तो फ्लोरिडा पैंथर कूगर की ही एक प्रजाति है जो कि ज़्यादातर साउथ फ्लोरिडा में पाई जाती है। और बात करें इनके लाइफ स्पैन की, तो इनका लाइफ स्पैन 15 साल तक का हो सकता है और इनकी ऑलमोस्ट 130 इंडिविजुअल्स बाकी रह गई हैं। और बात करें इनके साइंटिफिक नेम की, तो इनका साइंटिफिक नेम होता है प्यूमा कॉन्कोलोर कैरी। बात करें इनके साइज की, तो इनकी लेंथ 1.8 मीटर से 2.2 मीटर तक और हाइट 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक हो सकती है। बात करें इनके वजन की, तो इनका वजन 80 से 90 किलो तक का हो सकता है और ये आसानी से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और इनका बाइट फोर्स लगभग 450 PSI तक का हो सकता है। और बात करें इनके कैनाइन टीथ के साइज की, तो इनके कैनाइन टीथ का साइज 6 सेंटीमीटर तक का हो सकता है और इनके क्लॉज का साइज 5 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। तो हम जान लेते हैं कनाडियन कूगर के बारे में। तो कनाडियन कूगर ज़्यादातर ईस्ट कनाडा और वेस्ट कनाडा में ही पाए जाते हैं। और बात करें इनके लाइफ स्पैन की, तो इनका लाइफ स्पैन 13 साल तक का हो सकता है और इनकी ऑलमोस्ट 4000 इंडिविजुअल्स बाकी रह गई हैं। और बात करें इनके साइंटिफिक नेम की, तो इनका साइंटिफिक नेम होता है प्यूमा कॉन्कोलोर। बात करें इनके साइज की, तो इनकी लेंथ 1.8 मीटर से 2.4 मीटर तक और हाइट 80 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और बात करें इनके वजन की, तो इनका वजन लगभग 80 किलो से 100 किलो तक का हो सकता है और ये आसानी से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। बात करें इनके बाइट फोर्स की, तो इनका बाइट फोर्स 350 PSI तक का हो सकता है। और बात करें इनके कैनाइन टीथ के साइज की, तो इनके कैनाइन टीथ का साइज लगभग 6 सेंटीमीटर तक का हो सकता है और इनके क्लॉज का साइज 5 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि फ्लोरिडा पैंथर और कनाडियन कूगर में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो फ्लोरिडा पैंथर का बाइट फोर्स कनाडियन कूगर से ज़्यादा है, लेकिन कनाडियन कूगर साइज, वेट और स्पीड में फ्लोरिडा पैंथर से काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो मेरे हिसाब से कनाडियन कूगर के पास 51% चांस है इस लड़ाई को जीतने का। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमारा विनर है कनाडियन कूगर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।